कुल मिला के उसके लिए वोट देगा मोनू माने सर, जायदा के लिए, जायदा के लिए वो देगा और कोई वोट देगा मोनू माने सर वो जायदा के लिए वोट देगा, नहीं जायदा के लिए गोपालगढ़ से उसका नाम कटवा दिया गया, उसका भाई बीजेपी में, वो कांग्रेस ही में, भाई का दबाव तो पड़ा है उसके पास। अच्छा, चुनाव को लेकर बहुत काफी जोर दिख रहा है और हर तरह से लेकर कांग्रेस के नेता भी, बीजेपी के नेता भी आपके पास आ रहे हैं, तो अब की बार आप किसको यहां से विजय करेंगे? अब हम विजय करेंगे एमआईएम कैंडिडेट, एआईएमआईएम पार्टी को विजय करेंगे। अब से पहले भी यहां, अब फिलवक्त में कांग्रेस सरकार है लेकिन अब से पहले बीजेपी सरकार रही, 5 साल बीजेपी सरकार ने यहाँ राज किया था, तो अभी तक बीजेपी सरकार में आपके लिए क्या विकास हो पाया और अब फिलवक्त में जो कांग्रेस सरकार है इसमें आपके लिए क्या विकास हो पाया? विकास आप देख लो, गाँव में चल के देख लो, रास्ता कितना क्लियर है, कितनी नाली क्लियर है, अभी तक कोई विकास हुआ ही नहीं। अच्छा, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, आपका गाँव है सतवाड़ी है जी। अच्छा जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सब्बीर। अब की बार आप कौन सी सरकार को, किस पार्टी को, किस विधायक को यहाँ देखना चाहते हैं, किस पार्टी से? अताउल्लाह को देखना चाहते हैं भाई। अताउल्लाह किस पार्टी से मालूम है आपको? हाँ जी। कौन सी पार्टी से? एमआईएम से। तो वजह क्या है कि आपकी जो मंत्री जायदा है इसको छोड़कर आप एमआईएम पार्टी में क्यों आ रहे हैं? भाई साहब, जायदा को वोट देगा घटिया आदमी। क्यों? इसलिए देगा घटिया आदमी, वो हर जगह घटिया काम करती है और घटिया है, कुल मिलाकर उसके लिए वोट देगा मोनू माने सर, जायदा के लिए, जायदा के लिए वो देगा और कोई वोट देगा मोनू माने सर वो जायदा के लिए वोट देगा, नहीं जायदा के लिए अच्छा आदमी जो होएगा ना वो वोट नहीं देगा जायदा के लिए, घटिया आदमी देगा जो उसकी उसमें होएगा, खुद की उसमें लगा होएगा ना वो देगा उसके लिए। अच्छा, मोनू माने सर वो जिताएगा जायदा को। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आपकी बातों से लगता है कहीं ना कहीं जायदा का मोनू माने सर से लिंक है। हाँ, लिंक है ना। क्यों? और इधर से नाम काट दिया, गोपालगढ़ से उसका नाम कटवा दिया गया, उसका भाई बीजेपी में, वो कांग्रेस ही में, भाई का दबाव तो पड़ा है उसके पास। अच्छा, भाई का कहना है कि अब की बार जो जायदा को वोट देगा वो यहाँ मोनू माने सर जायदा को वोट करने के लिए यहाँ आएगा, जायदा को जिताने के लिए यहाँ आएगा। खैर, ये गांव के काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन, गांव सतवाड़ी है आपका। अच्छा, तो अब आप किस पार्टी को यहाँ देखना चाहते हैं, किस विधायक को, किस पार्टी से देखना चाहते हैं? एआईएम को वोट देंगे हम। एमआईएम को वोट देंगे। क्यों? अताउल्लाह को वोट देंगे, कुल मिलाकर अताउल्लाह को वोट देंगे। अच्छा, तो क्यों, क्या सोच समझ कर आप अताउल्लाह को वोट करेंगे? वैसे ऐसे ही देंगे, हमें इनकी बातों का विश्वास है, तो विश्वास दिला रहे हर चीज का हमारे संग। अच्छा, तो विश्वास तो आपको कांग्रेस पार्टी ने भी दिलाया? नहीं, हमको आज तक कोई विश्वास नहीं दिलाया कांग्रेस पार्टी ने, आज तक हमको कोई विश्वास नहीं दिलाया कांग्रेस पार्टी ने। जी, क्या कहेंगे? घाट में काम अताउल्लाह ने जान दे दी और जायदान दो दो बार बंद करवा दियो, तो ऐसा आदमी चाहिए जो जान देने तैयार, कभी भी फोन कर तुरंत हाजिर है, जायदा को कहा वोट दे। अच्छा, आपको लगता है, सुनो, अरे इंशाल्लाह मिलेगा अताउल्लाह का टिकट, कोई ना रोके यार। आपको लगता है कि अताउल्लाह आपके आपके बदले जान भी देने के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल भाई साहब। आपने कैसा आजमाया? नहीं नहीं, हम तो आदमी देख के बात कर लेते, बिल्कुल हकीकत। इस तरह से जायदा ने भी कहा था कि जहां आपका खून बहेगा वहां, वो तो कभी भी जो भी बात बोलिए झूठ के अलावा कुछ ना कही, जायदा बकवास है और जो जायदा वोट देगा वो सुघटिया आदमी। आपको लगता है अताउल्लाह आपके लिए? बिल्कुल अताउल्लाह। ये गांव के लोगों के अंदर, गांव के युवाओं के अंदर, गांव के नए नौजवान लड़के, इन सब के अंदर अताउल्लाह के लिए, कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी के लिए लोगों के अंदर जोश उभर रहा है, जोश मार रहा है, लोगों के जुनून जाग रहा है और इनका कहना है कि हम यहाँ एआईएमआईएम पार्टी को, पार्टी से जो भी नेता आएगा उसको यहाँ कैंडिडेट चुनेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन, किस पार्टी को आप इस प्लान में देखना चाहते हैं 2024 में? अम्मा यार। अच्छा।